नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के तमाम बड़े खबरों पर। उत्तरायणी के उपलक्ष्य में हो रहे कार्यक्रम में जन सैलाब उभरा। जी हां, दिनेशपुर में उत्तरायणी पर्व के उपलक्ष्य में पर्वतीय जन मंगल सेवा समिति द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के संस्कृति पर आधारित कई रंग कार्यक्रम एवं गीत प्रस्तुत किए गए। इस दौरान पहुंचे लोगों ने कार्यक्रम की सराहना की। आपको बता दें कि उत्तराखंड के संस्कृति धरोहर को बचाए रखने के लिए दिनेशपुर में उत्तरायणी पर्व के उपलक्ष्य में पर्वतीय जन मंगल सेवा समिति द्वारा कार्यक्रम कराया गया, जिसमें उत्तराखंड के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा गीत प्रस्तुत कर पर्वतीय संस्कृति को धरातल पर लाने की कोशिश की गई। इस दौरान पर्वतीय जन मंगल सेवा समिति के अध्यक्ष खरक सिंह कारकी ने कहा कि आजकल हर जगह हर जाति हर धर्म के लोग अपने सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने के लिए उस पर चलते हुए कई कार्यक्रम कराते हैं। उसी के परिपेक्ष में दिनेशपुर में पर्वतीय जन मंगल सेवा समिति द्वारा पर्वतीय समाज के संस्कृति को बरकरार रखने के लिए कार्यक्रम कराया गया है, जिसमें उत्तराखंड के प्रसिद्ध कलाकार एवं गायकों को द्वारा उत्तराखंड के संस्कृति के आधार पर कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसकी सभी ने सराहना की, जिसमें हजारों की संख्या में जन सैलाब लोगों का उभर पड़ा है। तो वही चंदन सिंह नयाल ने कहा कि हमारे उत्तराखंड के कुमाऊनी गढ़वाली संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है और पहाड़ से आकर जो हमारे तराई में निवास कर रहे हैं उन नौजवानों को अभी संस्कृति को कायम रखने के लिए जगह जगह उत्तरायणी पर्व के उपलक्ष्य में कार्यक्रम कराया जा रहा है, ताकि वह अपनी संस्कृति को ना भूले। इसी के मद्देनजर दिनेशपुर में भी कार्यक्रम कराया गया। हमारे संवाददाता सानुवली से बात करते खड़क सिंह कारकी, अध्यक्ष पर्वतीय जन मंगल सेवा समिति, और चंदन सिंह नयाल। आजकल हर जगह पर अपने अपने सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने के लिए हर जाति धर्म के आदमी अपने संस्कृतियों पर चलते हैं। उसी परिवेश में उत्तराखंड में इसको भव्य रूप से मनाया जाता है। खास करके हम उसको घुघुतिया त्यार बोलते हैं अपनी भाषा में। तो यह जन सैलाब जो आज यहाँ पर उमड़ा हुआ है, इसमें लगभग पर्वतीय मूल लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी है और साथ में तराई क्षेत्र में हम लोग होने की वजह से हर समुदाय का हमें यहाँ पर सहयोग मिलता है। और आज का ये जो भव्य आयोजन है, इसमें हमारा तीसरा साल है ये विगत। हम 3 साल से कार्यक्रम ये दिनेशपुर में हम करते आ रहे हैं और आगे भी अगर जनता का ऐसा सहयोग रहेगा हम ये कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे इस उत्तराखंड में हमारी संस्कृति अपनी कुमाऊनी या गढ़वाली उत्तराखंड की संस्कृति विलुप्त तो होते जा रही है। इसी के मद्देनज़र देखते हुए नौजवानों को और यहाँ के जो पहाड़ से तराई में आ चुके हैं, प्रवास कर रहे हैं, उनको अपनी संस्कृति को कायम रखने के लिए तो जगह जगह पर हम ये प्रोग्राम करा रहे हैं ताकि वो अपनी संस्कृति को ना भूलें। गांव में भाई भाई में हुआ बातों बातों में झगड़ा। जी हां, प्रयागराज मऊआईमा रसूलपुर गांव में भाई भाई में हुआ बातों बातों से झगड़ा हुआ, जहां बड़े भाई मनोज कुमार सनौफ राम सेवक छोटे भाई विनोद कुमार की पत्नी मनीता पटेल को जान से मारने की धमकी देते हुए कोशिश किए, जिसमें मनीता पटेल के सिर में कुल्हाड़ी लाठी बरसाई और हाथ मार कर देने से हाथ टूट जाने पर सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां विनोद का पूरा परिवार हॉस्पिटल में था। घर में उनकी मां अकेली थी, तभी मनोज कुमार तथा उनके ससुराल वाले आए और विनोद के घर का ताला तोड़कर जो भी घर का सारा सामान पाए ले गए और विनोद की भैंस खोलकर ले जाने की कोशिश की, तो उनकी माँ के शोर मचाने पर गाँव वाले आ गए, तभी तक वो लोग भाग गए। प्रयागराज से हमारे संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। क्या क्या ले गए दिखाओ हमें, क्या क्या ले गए यहाँ घर से? सर ये देखिए, सर ये चावल वावल जो पाए हैं, राशन वोशन और अन्य सामान जो ले गए हूँ। सर भाई ने आपको मारा पीटा, आपकी पत्नी को मारा, और कब मारा? शाम को 6:30 बजे मारा। कौन सी तारीख को? 10 तारीख को। आपने एप्लीकेशन कब दिया थाने में? 10 ही को दिया। मुकदमा कब लिखा गया? मुकदमा आज ही लिखा गया। अभी तक पुलिस के से आपने संपर्क किया था? क्यों नहीं लिखा गया मुकदमा? किया था, उन्होंने बोला कि हाँ, उन्होंने बोला कि वो मत लिखो। अच्छा, उन्होंने कहा कि मुकदमा मत लिखाओ? हाँ मत लिखाओ, उसके बाद तुम लोग सुलह हो जाओ। सुलह हो जाओ, उन्होंने हाँ। कौन कहा था?
अरे सर उनका नाम हमें नहीं पता है। नाम नहीं पता है, चलिए ठीक। आज हमने सुना है आप घर में चोरी हुई, उन्होंने आया था, क्या क्या चोरी किया यहाँ से? सर हमारा राशन पानी जो लाल ले गए, उसके बाद हमारी बकरी ले गए। और क्या ले गए? भैंस लादने के लिए आए थे, तब तक हमारी माँ पहुँच आई, उसको रोक ली और उन्होंने हल्ला मचा दी, गांव वाले जुट आए, वो निकल पड़े। आप कहाँ गए थे? हम हॉस्पिटल में थे। अच्छा, आप हॉस्पिटल में, कौन भर्ती है हॉस्पिटल में? हमारी बीबी है। अच्छा, ज्यादा चोट लगी उसको? हाँ, उसको बहुत लगा है, उसके बाद टांका भी लगा है, 7-8 फ्रैक्चर हुआ है, यही सब हुआ उसको। हेलमेट वहाँ सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल। आपके घर में क्या क्या चोरी हुआ दिखाओ जरा हमें। आइए होगा, हम अपने माँ बाप को नहीं ढंग से सही ढंग से रखते हैं। भाई भाई मतलब नहीं, आप भाई दीगर से कोई से लड़ते तो चलो ठीक भी है। नहीं, इनको भी कराना हो तो इनकी भी मैडम मजदूरी चिट्ठी बना दे। नहीं नहीं, यदि लगा हो तो खुला यार, ये सर देखा खुला है। ये थे अभी के समाचार, जानेंगे आगे के समाचार एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अज पहुंचे हैं टुकड़ा हस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सतीश ठकराल जी को, नवे साल से अपना संदेश देना चाहते हैं। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल। तंदुरुस्ती तू बख्श ऐ दाता, किसे नू रोगी रहन ना दे, सुखमय जीवन जीवे हर कोई, दुख नू नेड़े बहन ना दे। फास्ट न्यूज चैनल वेख रहे देश विदेश के सू दर्शकों नू मेरे वालों डॉक्टर सतीश ठकराल सोनी वालों कोटन कोट धन्यवाद। ये उम्मीद करता हाँ और परमात्मा को वाहेगुरु को एक दुआ मंगता हाँ कि साडा सारिया का आने वाला साल वो चढ़ती कला वाला हो। साडा देश अज बड़िया मुसीबतों नू वेख रहा है, कदे बलात्कार दी घटनावां वध रही है, कदे नवे नवे कानून आ रहे है, लोगों की रुजगार घट रहा है। तो मेरी यही परमात्मा अगे अरदास है कि लोग चंगी रोटी खान, खुश खुशी वाला जीवन बतीत कर, तंदुरुस्त रहन और प्यार नाल रहन, ते अपना जिहड़ा प्यार दा प्रचार ते प्रसार पूरी दुनिया विच करिए। सो मैं एक बार फिर मेरे वड्डे वीर गुरलाल जी का भी धन्यवादी हाँ जिन्होंने नाचीज नूं एक मौका दिता तुहाडे नाल रूबरू होण दा। फास्ट न्यूज का विशेष तौर ते धन्नवादी हाँ कि जिहड़ा मनुखता का पैगाम लैके वह दर दर ते जा रहे हैं ते सारे संसार विच अपनी खुशियां वंड रहे हैं। चलो, मैं मोहम्मद आसिफ जिराम भागुवाला, तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर। मैं सभी क्षेत्रवासी प्रदेशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और जिला पंचायत भागुवाला से भावी उम्मीदवार के रूप में आपको सेवक सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ठीक। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर, जनता स्वीट सेंटर मंडावली। मैं नए वर्ष की अपने देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत धन्यवाद। अपने क्षेत्रवासियों, अपने देशवासियों को नंबर से हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सिकरौडा, मैं अपनी ओर से सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी और देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ट्रक की साइड लगने से गन्ने से भरी ट्रैक्टर टाली पलटी, चालक घायल। जी हां, बरेली दिल्ली हाईवे धनेटा के पास भाखड़ा नदी के पुल के ढलान पर ट्रक ने गन्ने की भरी ट्राली को ओवरटेक कर टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर चालक अपना संतुलन खो बैठा और ट्रैक्टर बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गया, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसकी सूचना गन्ना सेंटर को दी गई। बरेली से हमारे संवाददाता महेंद्र पाल मौर्य की रिपोर्ट। ये हादसा सर बताएंगे कैसे हुआ था? ये हादसा तो किसी ने साइड मारी है इस पर। अच्छा, साइड मारी है। हेलमेट है ना, किसी ने इस पर साइड मारी है ड्राइवर के। तो ड्राइवर क्या, कोई चोट वगैरह? हल्की आई है चोट, थोड़ी मामूली चोट आई है। आप कौन है? मैं सेंटर इंचार्ज हूँ। सेंटर इंचार्ज, तो इसका मुआवजा किस टाइप से क्या करेंगे कुछ ऐसा? देखिए, ये तो साहब फैक्ट्री के ऊपर आधारित है। इसको लेबर आएगी, इसे हटाएगी जी, फैक्ट्री से क्रेन आएगी जी। हमारे अधिकारी को सूचना हो चुकी है। बिल्कुल। कितना समय हो चुका है इसके लिए? 10-15 मिनट हुए हैं अभी। केवल 10-15 मिनट हुआ है।
किसी को चोट वगैरह नहीं? किसी को चोट नहीं आई है, केवल ड्राइवर की हल्की चोट आई है। अच्छा, तो ड्राइवर अभी कहाँ है? ड्राइवर अभी दवा लेने गए हुए हैं पास के गाँव में। गाँव में भेजा गया है उनको दवा लेने के लिए। एम्बुलेंस को खबर वगैरह? एम्बुलेंस को सूचना कर दी है, आने वाली है। आने वाली है, चलिए ठीक है। कोई देखिए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम देव प्रकाश दुबे, सेंटर इंचार्ज हूँ, अक्षौरा सेंटर पर हूँ। अच्छा, ट्राली ये कहाँ से आ रही थी? ये ट्राली शीशगढ़ साइड से आ रही है, हमारे किसी सेंटर की है। अभी इतनी जानकारी नहीं है इसमें, ड्राइवर बहुत बता नहीं पाया, तब तक चला गया। जैविक खेती करने के बताए उपाय। जी हां, कृषक भारती को ऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा लिबरहेड़ी गन्ना विकास समिति लिबरहेड़ी जैव उर्वरक प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय किसानों को जैव उर्वरक और जैविक खेती करने के बारे में कृषि अधिकारियों द्वारा बताया गया। आपको बता दें कि रुड़की तहसील के अंतर्गत गन्ना विकास समिति में किसानों में प्रोत्साहित किया तथा किसानों को जैविक खेती के लिए जागरूक करने के लिए किसानों की गोष्ठी का कृषक भारती को ऑपरेटिव की ओर से आयोजन किया गया। गन्ना विकास समिति लिबरहेड़ी के प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें बहुत अधिक संख्या में किसानों ने आकर इस गोष्ठी में खेती संबंधी जानकारी ली और किसानों ने खेती में आने वाले समस्याओं को कृषि विशेषज्ञ के सामने रखा। किसानों ने फसलों की उत्पादन में बढ़ोतरी लाने के लिए और खेती संबंधी परेशानी के निवारण करने जानकारी के लिए कृषि विभाग से आए कृषि विशेषज्ञ से किसानों को बताया कि किसान रासायनिक खेती लगातार करता रहा है। विशेषज्ञों ने कहा कि खेतों में प्रयोग हो रहे रासायनिक खादों को कम करें और जैविक खादों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, जिसमें रासायनिक खादों के द्वारा खेती योग्य मिट्टी जो कि कमजोर हो चुकी है उसको जैविक पदार्थों के द्वारा मजबूत और उपजाऊ बनाया जा सके तथा पूर्ण रूप से किसानों को जैविक खेती करने का तरीका बताए। खेतों में डालने के लिए दवाई भी मुफ्त दी जाएगी। हरिद्वार से हमारे संवाददाता रोहित कुमार की रिपोर्ट। आज ये जो क्रोबकोन गोष्ठी की है, इसमें किसानों को समझाया गया है कि भाई रासायनिक खादों का उपयोग ना करो और जो कम करो, कम से कम करो, उसका रिजल्ट मिलेगा। इतनी बीमारी बढ़ रही है, घर में छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वे बीमार ही जन्म ले रहे हैं। तो इन्होंने एक जैविक प्रोडक्ट दिया हम, इसे इस्तेमाल करो, इस देखो इतनी फसल तो पैदावार बढ़ नहीं सकती, पर इससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लाभ होगा और ये हकीकत में होगा। धन्यवाद। देखिए, आज क्रबको की दौर से एक यहाँ पर जैव उर्वरक प्रोत्साहन कार्यक्रम किसानों के लिए किया गया, जिससे कि किसान रासायनिक खाद का प्रयोग ना करके जैव उर्वरक का प्रयोग अधिक करें, बीमारियों से बचें, वो एक कार्यक्रम किया गया है लिबरहेड़ी गन्ना समिति के प्रांगण में। जो सब कार्यक्रम की व्यवस्था है वो क्रबको की ओर से की गई है, क्रबको के अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, इन्होंने विस्तार से बताया और सभी किसान इसका निश्चित रूप से लाभ लेंगे। गन्ना समिति की ओर से किस तरह? देखिए, गन्ना समिति की ओर से ये गोष्ठी आज नहीं है, क्रबको की ओर से है, लेकिन हम निश्चित रूप से ये हमने क्रबको से निवेदन किया कि हमारे समिति पर आप हमारी समिति के क्षेत्र के किसानों के लिए ये कार्यक्रम रखें, जिससे कि किसानों को ये सुविधा मिले। और जो क्रबको के प्रोडक्ट हैं ये अभी मार्केट में उपलब्ध हैं, हम सरकार से ये मांग करेंगे कि हमारी समिति से भी प्रोडक्ट को बेचने की व्यवस्था की जाए, जिससे कि बाजार में कालाबाजारी को रोका जा सके। नहीं, लाभ लेने के लिए तो किसानों को जागरूक होना पड़ेगा और इस तरह की गोष्ठी के माध्यम से हम किसानों को तकनीकी और व्यावहारिक और व्यापारिक जानकारी देने के बाद ही जागरूकता क्रिएट करना हमारा मूल उद्देश्य है। जैसे जिप्सम का क्वेश्चन किया गया था, नहीं अभी हमारे बीच में उपस्थित गोष्ठी में भूमि संरक्षण अधिकारी उपस्थित हैं, उनके द्वारा बताया गया कि अभी 2004 तक इस जनपद में जिप्सम की उपलब्धता कराई गई थी और यदि किसान अब फिर मांग रखते हैं तो वो इस तरह की कार्रवाई करके अपने विभाग से जिप्सम की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।